गन के साथ दो आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपी प्रज्वल उर्फ पज्जू विशाल शेंडे 23 वर्षीय और शहनवाज उर्फ सोनिया शहजाद खान 18 दोनों बाराकोली इंदौरा जरीबट का निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों से एक्टिवा क्रमांक MH31BF2143, एयर गन, चाकू, कॉलेज बैग, दो मोबाइल पर नकदी 3,120 रुपए सहित 34,000 रुपए, 520 रुपए का माल जब्त किया गया। मानकापुर की महिला थानेदार वैजयंती मांडव वद्रे के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई। दोनों आरोपी मानकापुर और गिट्टी खदान इलाके के अलावा शहर में कई जगह लूटपाट, मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दोनों आरोपियों से 3 घटनाएं उजागर हुई है। आरोपी प्रज्वल शेंडे हिस्ट्री शीटर है। ये जुलाई माह में सेंट्रल जेल से छूट कर आया था। पुलिस के अनुसार अन्य बाबा नगर गोधनी रोड निवासी रतन सिंह कुमरे ने मानकापुर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज की थी। रतन सिंह रात को झोपड़ी का दरवाजा खुला करके सोया था। अज्ञात आरोपी ने झोपड़ी में घुसकर मोबाइल फोन चुरा ले गए। जब 4 बजे रतन सिंह की नींद खुली तो मोबाइल गायब था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस बल को आरोपी प्रज्वल शेंडे अपने साथी शहनवाज खान के साथ पीटेसूर रोड पर संदेहास्पद स्थिति में एक्टिवा पर नजर आया। उसके बैग की तलाशी लेने पर एक एयरगन चाकू मिला। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि दोनों ही आरोपियों पर लूटपाट, सेंधमारी करने और स्नैचिंग में माहिर है। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने कई थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसी बात भी कही। येणाऱ्या सण उत्सवाने आगामी जे काही गणेश उत्सव आणि इतर सणांच्या निमित्ताने संपूर्ण शहरामध्ये तसेच शहरातील ज्या काही चेन स्नॅचिंग, मोबाईल स्नॅचिंगच्या घटना घडत आहेत त्याच्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त सरांचे आदेश होते की संपूर्ण शहरामध्ये जे काही जेल रिलीज आणि आरोपी रेकॉर्डेड आरोपी आहे, हिस्ट्री शीटर आहे आणि अशा प्रकारचे गुन्हे करणारे, जबरी चोरी करणारे गुन्हेगारांना चेक करायचे आहे। त्या मोहिमेदरम्यान दिवीपथक पेट्रोलिंग करत असतानाच आणि रेकॉर्डेड आरोपी चेक करत असतानाच 2 संशयित मुले ॲक्टिवावर फिरताना संशयास्पद दिसले। त्यांची अधिक विचारपूस केली असता ते मुले, त्याच्यातला एक जो होता प्रज्वल शेंडे हा आत्ता 26/7 जेलमधून रिलीज झालेला आहे। त्याच्यावर भरपूर मोठे यापूर्वीचे सुद्धा अशाच प्रकारचे गुन्हे आहेत आणि त्याच्यासोबत शहनवाज खान हा 18 वर्ष हा सुद्धा होता। दोघांकडे कथ्या रंगाची ॲक्टिवा, त्यांच्या डिक्कीमध्ये एक चाकू आणि एक एअरगन तसेच 2 मोबाईल असं मुद्देमाल जप्त केला। अधिक विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी गिट्टी गदा नदीमधले जे जबरी चोरीचे गुन्हे आणि जखमी केल्याचे सुद्धा सांगितले चाकू मारून, तर अशा प्रकारचे गिट्टी गदांमधले 2 गुन्हे केल्याचे त्यांनी कबुली दिली। तसेच आमच्या हद्दीतला 1 गुन्हा मोबाईल चोरीचा हे सुद्धा गुन्ह्याची कबुली केलेली आहे। सध्या ते दोन्ही आरोपी पोलीस स्टेशन मानकापूरच्या ताब्यात असून PCR आहेत। इन बी सी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसिक रिपोर्ट।